और कितने दिनों के बाद शादी में इनविटेशन मिला, अच्छे से सज धज के जाऊंगी, पर ड्रेस क्या पहनूं, मेरा से कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा। हाँ वो तो सबने देख, तुझसे मैं अच्छी ही दिखती हूँ, पर रात को मैं ही ज्यादा सुंदर दिखूंगी। क्यों, चुड़ैल है क्या तू? मेरे पास पैसा है जिसे मैंने एक सूट लिया है, और रात को शादी में वही पहन के जाऊंगी। अब तू देख तेरा वो घिसा भी ड्रेस। मैं तो कुछ अच्छा कर ही लूंगी, पर आपने उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके 50,000 लाइक तक पहुंचा दो प्लीज, और मैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये सारे ड्रेपिंग के लिए हमें पहले ले लेना है एक इस तरीके का साड़ी, और फिर इसे कमर की यहाँ से एक राउंड घुमाते हुए सामने एक नॉट क्रिएट कर लो। नॉट के दोनों साइड पे ही हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा बचा के रखना पड़ेगा, और फिर ऐसे लेफ्ट साइड के पार्ट को लेकर ऐसे प्लेट्स बनाना है। प्लेट्स हो जाने के बाद इसे ऐसे पैर के नीचे से ले जाकर कमर के यहाँ पर सिक्योर कर दो। अच्छे से सिक्योर हो जाने के बाद हम सेम तरीके से राइट साइड पे भी प्लेट्स बनाएंगे। प्लीट्स तो हो गया, अब चलो टॉप चेंज कर लेते हैं। अब सेम तरीके से इसको भी ऐसे पैर के नीचे से घुमाकर ऐसे कंधों के यहाँ पे पल्लू के जैसा सिक्योर करो। पल्लू को थोड़ा सा थिन ही रखना, इससे फिगर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आता है। तो चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टाइल कंप्लीट, अच्छा लग रहा है ना? अब चलो सेकंड स्टाइल भी देख लो, लग रहा है ना शादी के लिए बिल्कुल यूनिक एंड परफेक्ट। ये सारी चूड़ियां तो मैं पिछले 10 साल में जितने भी शादियां हुई सब में पहन चुकी हूँ, आज भी इसे ही पहनना पड़ेगा। चलो इसे पहन के चली जाती हूँ। तो अच्छी लग रही है बहुत अच्छी। और सब कहाँ गए? अच्छा अच्छा इसके लिए पहले हमें ले लेना है कुछ पुराने चूड़ियां, और फिर ले लो कुछ डिफरेंट कलर के वुलन, और फिर हमें ले लेना है ग्लू, और अब ग्लू के मदद से चूड़ियां को ऐसे जोड़ दो। अब ऐसे ही पूरे बैंगल्स में अच्छे से ग्लू लगा के चूड़ियां जोड़ते जाओ। मैं यहाँ पे एक बैंगल्स के लिए 6 या 7 चोरिया की यूज कर रही हूँ। अब बैंगल्स पूरे अच्छे से सूख जाने के बाद इस टाइप का एक वुलन लेकर बैंगल्स के अंदर से उसे ऐसे डाल के एक नॉट क्रिएट कर दो, और नॉट क्रिएट करने के बाद वुलन के मदद से ऐसे चोरिया को फील करते जाओ राउंड मोशन में। अब ऐसे गोल 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 करते करते पूरा हो जाने के बाद हम इसे और अच्छे से सजाने के लिए लेंगे कुछ ऐसे मोतियाँ, और फिर एक ग्लू की मदद से मोतियों को ऐसे बैंगल्स के ऊपर चिपका दो। मैं यहाँ पे सेम कलर के और 2 बैंगल्स पहले ही रेडी करके रखी हूँ। अब देखो तीनों एक साथ बहुत बढ़िया दिख रहा है ना? बहुत महंगी है, और ये भी, अरे बाप रे ये तो 1000 का है। अरे क्या तब से महंगी महंगी किया जा रही है? देखना मुझे राज की हल्दी में ऐसा रिंग कम ब्रेसलेट चाहिए, पर ये कितना महंगा है। हाँ भाई आजकल ये बहुत ट्रेंडी है इसलिए प्राइस थोड़ा ज्यादा है, तो DIY क्यों नहीं कर लेती? DIY? तो इस हैक के लिए पहले हमें ले लेना है एक लंबा येलो कलर का आर्ट पेपर का टुकड़ा, और फिर उसे ऐसे राउंड मोशन में सीजर की मदद से काट लो, और अब ले लो कुछ रेड कलर के ऐसे छोटे छोटे मोतिया। अब एक सुई के अंदर उसे ऐसे डाल दो,
और पूरा हो जाने के बाद धागे को ऐसे नॉट क्रिएट कर दो और फिर से वही कटे हुए आर्ट पेपर के टुकड़े को लेकर साइड में लगा दो ग्लू और फिक्स कर दो पहले बनाए हुए मोतियों के चेन को। अब हमें ऐसे सेम तरीके से और एक छोटा टुकड़ा बना लेना है। अब उसके ऊपर सेट कर दो ऐसे ही दो सुंदर दिखने वाला येलो रोज और फिर ले लो कुछ व्हाइट कलर के मोतिया और उसे फिर सेम तरीके से पहले की तरह ऐसे सुई के मदद से एक चेन बना लो। पर हाँ, नॉट मत क्रिएट करना। अब चेन के मिडिल में ऐसे गैप क्रिएट करके वहाँ पे हमारा पहले बनाए हुए वो बड़ा वाला रोज ग्लू गन के मदद से लगा दो। अब ये बिल्कुल राखी जैसा बन गया है और अब बस इसके पीछे ऐसे ग्लू लगाओ और बचे हुए चेन को अपने फिंगर के अकॉर्डिंग उस राउंड मोशन के साथ ऐसे प्लस शेप में जोड़ दो और फिर अपने रिंग के पास जो छोटा वाला गुलाब हमने पहले ही बनाए हुए रखा था उसे हम जोड़ेंगे। अब बस लास्ट में उस छोटे वाले गुलाब के नीचे लगा दो एक छोटा रिंग। लो भाई, बन गया हमारा हल्दी ज्वेलरी बिल्कुल तैयार। चलो अब जल्दी रेडी होके फिर से भैया के पास जाना है, नहीं तो भाभी के साथ ज्यादा फोटो नहीं खींच पाऊंगी। बाकी है। ये पहले तो रखी थी मैंने। रिया, ए रिया, मेरे मांगटी का कहाँ है? और कहाँ होगा? मेरे सर पे ही तो है। मुझे दे, वो मुझे पहनना है। बढ़िया है। पिछली बार तूने पहनी थी, अब मैं पहनूंगी। अब मैं क्या करूँ? बिना मांगटी का के तो शादी ही अधूरी रह जाएंगे। वेडिंग में जाने के लिए मांग टीका नहीं है तो भाई कोई टेंशन नहीं, कोई भी पुराने ड्रेस का लटकान और फिर ऊपर के पार्ट को ऐसे सीजर के मदद से काट लो। अब लटकान को फोरहेड पे सेट करने के लिए ले लो एक बॉबी पिन और अच्छे से बॉबी पिन के मदद से सेट करने के बाद बस भाई तुम तैयार हो वेडिंग में जाने के लिए। कोई भी नहीं पकड़ पाएगा कि ये मांग टीका नहीं है। और